हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गीता महतो, और आज मैं आप लोगों को वायगोत्स्की थ्योरी का सेकंड पार्ट बताऊंगी। वायगोत्स्की थ्योरी के पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि वायगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे के डेवलपमेंट में सोशल कॉन्टेक्स्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात बच्चा जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करता है तो बच्चे में डेवलपमेंट होता है और विभिन्न प्रकार से बच्चा सीखता चला जाता है, जिसमें मैं आपको ये भी बताई थी कि बच्चा किन किन तरीक़ों से सीखता है, जिसमें है इमिटेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग और कोलाबरेटिव लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वायगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए निश्चित क्षेत्र होते हैं जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसे निकटतम विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र होता है जो बच्चे के सीखने से संबंधित होता है, अर्थात बच्चे के लर्निंग से संबंधित होता है। वायगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीन कॉन्सेप्ट दिए हैं। इससे तीन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझ सकेंगे, जिसमें पहला है वास्तविक विकास स्तर, जिसे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। यह वह स्तर होता है जहां बच्चा बिना किसी के हेल्प के सीखता है। अर्थात इस स्तर पर बच्चा स्वयं की क्षमता के अनुसार सीखता है बिना किसी के हेल्प के। मान लेते हैं कि बच्चा दो अक्षरों का LCM एवं HCF आसानी से स्वयं निकाल सकता है, तो इसे बच्चा का एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। दूसरा है संभावित विकास स्तर, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह वह क्षेत्र होता है जिसमें दूसरे की सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करके उस कार्य को सफलतापूर्वक किया जाता है। अब बच्चा टीचर की सहायता से दो से अधिक अक्षर के LCM एवं HCF निकालने में सक्षम हो पाता है, जबकि पहले बच्चा सिर्फ दो अक्षर का LCM एवं HCF निकाल ही सकता था और उसे दो से अधिक अक्षर के निकालने में कठिनाई होती थी। तो इस तरह से बच्चा शिक्षक की मदद से, टीचर की मदद से उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। इसे ही लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, गैप बिटवीन एक्चुअल कॉम्पिटेंसी लेवल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। यह वह स्तर होता है जहाँ पर वास्तविक विकास स्तर एवं संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को देखा जाता है। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा अपने घुटनों के बल पर चलना प्रारंभ करता है, फिर अपनी माँ की उंगलियों के सहारे वह खड़ा होता है और लास्ट में वह बिना किसी सहारे के चलना सीख लेता है। तो पहले जब वह अपने घुटनों के बल पर चलता है तो उसे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद उसकी माँ जब उसे उंगली देती है और उंगली के सहारे बच्चा चलने की कोशिश करता है तो उसे लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। और लास्ट में बच्चा जब खुद से बिना किसी सहारे के चलना प्रारंभ कर देता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा जब स्वयं कोशिश करता है चलने का और वो नहीं चल पाता है तो उसकी माँ
अपने उंगलियों के सहारे उसे चलाने की कोशिश करती है। तो इस बीच के गैप को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ बच्चा उन कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे किसी योग्य व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति की सहायता से उस कार्य को कर लेता है, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की सहायता से उस कार्य को आसानी से करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्चुअल कॉम्पिटेंसी लेवल और पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल के बीच का जो गैप होता है, इसे ही ZPD कहा जाता है। और यहाँ पर जो टीचर होते हैं या जो अभिभावक होते हैं, टीचर या जो भी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की सहायता से उस कार्य को कर लेता है। तो यहाँ पर टीचर या मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन स्कैफोल्डिंग का कार्य करते हैं, जिसे हिंदी में मचान भी कहा जाता है, अर्थात एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से वायस्की ने इस बात को स्पष्ट किया कि बच्चों में डेवलपमेंट किस तरह से होता है।